राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जितने भी आप सत्संगी प्रेमी यहाँ पधारे हैं, सत्संग का पूरा लाभ उठाएं, शांति से बैठें। हाँ, थोड़ा मौसम गर्मी का है, लेकिन सत्संग के लिए आए होगे तो गर्मी आपको नहीं लगेगी। बाईस जुलाई का सत्संग गुरु पूर्णिमा का था और उसके बाद लगातार लगभग एक सप्ताह में किसी न किसी केंद्र पर सत्संग होता रहा है। तो ये लाभ सत्संगियों को लगभग एक हफ्ते में मिल ही जाता है। हालांकि मौसम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सत्संगियों की हमेशा डिमांड रहती है, इच्छा रहती है कि मौसम कैसा भी हो, चाहे तकलीफ उनको उठानी पड़ती है, लेकिन सत्संग के लिए हमेशा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे यहाँ सत्संग नहीं हुआ, हमारे उस आश्रम में कर दो। मैं खुद इस बात का ख्याल रखता हूँ कि किस आश्रम में सत्संग कब करना चाहिए। इसके बावजूद भी आप लोगों को ये तसल्ली नहीं होती है। आप सोचते हो कि ये हमारा आश्रम है, दूसरा आश्रम किसी और का है, और दूर का आश्रम है वो किसी और का है। ना ये आश्रम और किसी के हैं, ना मैं और किसी का हूँ, ना सत्संग और किसी का है। सभी जन अपने हैं, सभी आश्रम अपने हैं। और जहाँ इतना अपनापन होता है, वहाँ ये मेरे तेरे की भावना नहीं होनी चाहिए। और ये अपने होते हुए किसी के भी नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं, और जब नहीं रहेंगे तो हमारे किसी काम के नहीं हैं। संसारी लोग चीज़ों से बंध के मेर तेर की भावना में फंसते हैं, लेकिन सत्संगियों को इस बात से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए कि महापुरुष समय समय पर फरमाते रहते हैं। आप भी लगातार सत्संग करते हो, सुनते हो, सत्संगों में आते हो। जब अपना ये शरीर भी नहीं है, तो ये संसार की ओर पदार्थ हमारा क्या साथ देंगे। परंतु इस माया के देश में ये जीव बंधा हुआ है। जब संसारी चीज़ों को, संसारी क्रियाकलापों को, संसारी लोगों को करते हुए देखते हैं, हम भी उन्हीं लोगों में से रहने वाले हैं, उन्हीं की तरह से हम बर्ताव करते हैं। इसीलिए हमारे अंदर भी वही भावना जो पनपी हुई है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ती है। और सत्संगी को चाहिए कि हमेशा अपने मन के अंदर वो चिंतन करे इस चीज़ का। सत्संग ये नहीं है कि सत्संग आपने सुन लिया, सुन के आप चले गए, एक दो कहानी, किस्सा, कोई कथा जो आपके विचारों को पुष्ट करने के लिए, आपको अच्छा जीवन बिताने के लिए, या पुराने ज़माने में जो कहानियाँ गुजरी हैं, जिन लोगों ने जो अनुभव किए हैं, वो अनुभव अगर आपको सुधार के लिए बताए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन लिए और निकाल दिए। जब भी कोई ऐसा विचार, कोई ऐसे आपको नुक्ता या कोई ऐसा आपको एक तरीका बताया जाता है, उसको घर जाके, एकांत में जाके भजन के समय, ध्यान के समय, खाली वक्त के समय उन बातों पर चिंतन किया करो। चिंतन करके देखो, आपका हर सवाल का जवाब आपके पास है। और वो हर सवाल का जवाब क्यों है कि यही ताज्जुब है कि जिससे आप कुछ सीखना चाहते हो, जिसको आप ढूंढना चाहते हो, जिससे आप पूछना चाहते हो, वो कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। अब जो बाहर की चीज़ें हैं उनका ख्याल करते हैं क्योंकि हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियां जो हैं वो बाहर के कामों में फंसी हुई हैं। अंदर की खोज करने वाला जो एक ही द्वार है और उस द्वार में चल के जो सतगुरु हमें बताता है, जिसको आप नाम कहते हो, उपदेश कहते हो, बीज कहते हो, मंत्र कहते हो, वो रास्ता बताने की चीज़ है। और उसको सुन के जब अमल हम करते नहीं हैं तो जीवन व्यर्था चला जाता है। अभी ये कहा कि जीव समझ नहीं पाया, जीव समझ नहीं पाता है। ये आया था दुनिया में, क्यों आया था नहीं पता इसको बेचारे को, लेकिन वो तो अभागे जीव हैं जिनको गुरु नहीं मिला, जिनको कोई बताने वाला, समझाने वाला रहबर नहीं मिला। और जिनको मुर्शिद पूरा मिल गया, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, संकेत दे दिया, रास्ता बता दिया उसका, कि जिससे हम बिछड़ के आए थे जिससे जाके मिल लेंगे, तो इन संसारी दुखों से, इन मेर-तेर की भावनाओं से और ये दुनियादारी की जितनी आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, कष्ट हैं, इन सब से छुटकारा मिल जाता है। आप देखो, जिन सुखों को सुख मानते हो, क्या वो सुख स्थायी हैं? क्या ये संसार के पदार्थ जो हम देखते हैं, क्या हमें वो सुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते।